मेरा नाम तलहा मसूद है। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन पंजगूर से ली, उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज क्वेटा में आया और वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर ड्यूरिंग मास्टर्स आई अपेयर्ड इन सीएसएस एंड आई क्वालिफाइड इन 2002 विद 41st कॉमन। और इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से मैंने मास्टर्स किया एंड देन आई वेंट टू इंग्लैंड और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी वेस्टमिंस्टर से की। मेरी पोस्टिंग क्वेटा में 2016 में हुई आफ्टर माय फर्स्ट पोस्टिंग इन कराची। और जब मैं क्वेटा पहुंचा तो यहां पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि बलूचिस्तान में टैक्सेशन कितना मुश्किल है। उसकी रीजंस कुछ ये हैं कि एक तो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और जब आप किसी एक सेक्टर को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर ट्रेडर्स को जब हमने टेक ऑन किया तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। बलूचिस्तान के डायनामिक्स के हवाले से क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को बेसिक टैक्स नॉलेज नहीं है, जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनसे लोगों को काफ़ी शिकायत हैं कि वो हमारी रिटर्न्स फाइल नहीं करते प्रॉपरली या हमारे केसेस को परसू नहीं करते। तो जो बड़े बिजनेसेस हैं ख़ास तौर पे उनको भी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं जब हम ऑडिट करते हैं या हमारे नॉर्मल जो टैक्स रिजीम में हम काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो क्वेटा में या बलूचिस्तान के टैक्सेशन की हद तक हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है और ये बहुत डिफरेंट है आपके जो KLIA हैं कराची लाहौर इस्लामाबाद वहाँ से बहुत डिफरेंट है और काफ़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट है बलूचिस्तान में क्योंकि ऑब्वियसली लोग पर्सनल होते हैं यहाँ पे और इनको ये पूरा रिजीम और रेवेन्यू कोर्ट्स के एथिक्स का भी लोगों को नहीं पता होता। लेकिन ये है कि हमारी ये कोशिश है कि हम एक ओपन डोर पॉलिसी रखें अपने ऑफिस में और IRS की सर्विस वैसे भी एक ओपन डोर सर्विस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि टैक्स पेयर्स को हम अवेयर करते रहें, साथ साथ उनको एजुकेट करते रहें ताकि आगे से उनकी कंप्लाइंस बेहतर हो जाए। स्पेसिफिकली अमाउंट मैं मुझे अभी याद नहीं होगी लेकिन हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर ट्रेडर्स रियल स्टेट जिसमें हम समझते थे बोर्ड की डायरेक्शंस थी कि जो ब्लैक मनी ज़्यादातर डंप हो रहा है वो रियल स्टेट में हो रहा है, तो हमने क्वेटा के और बलूचिस्तान के वो सारे एरियाज़ जो कि ए कैटेगरी में आते हैं हमने उनके उनमें रियल स्टेट में हमने ऑडिट की है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटनी की है जिसमें हमने ये देखा है कि कौन से ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिनकी रिटर्न्स में और उनकी जो बाकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं या उनकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं या ओवरऑल उन्होंने कोई ऐसी चीज़ परचेज़ की है जो कि हमारे पास अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड है, तो उसको हम ज़रूर काउंटर करते हैं और हम उनको चार्ज करते हैं। एक बड़ी रिकवरी अगर आप मुझसे पूछती हैं जिसके मुझे फिगर्स याद हैं तो वो सैंदक मेटल्स है जिसमें हमने 6 बिलियन रिकवर किए थे क्वेटा में। और इसके अलावा मिसेलिनियस रिकवरीज़ हैं और क्योंकि IRS का जो प्रोफेशन है और ये जो नौकरी है ये बड़ी ही डिफरेंट है बाकी किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से और किसी और इदारे से। यहाँ पे हम बेसिकली विद द सिस्टम हमारे सारे नोटिसेस बार कोडेड होते हैं ताकि किसी टैक्सपेयर को कोई हरासमेंट का या कोई ऐसी चीज़ का अंदेशा ना रहे और जो भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा रिपोर्टेड है सिंस इट्स अ बार कोड IRS पोर्टल पे, तो वो FBR हेडक्वार्टर्स पे भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमारी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस मेजर होती है सिस्टम के थ्रू और उसको मॉनिटर किया जाता है और इसी तरह हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो पेरेनियल इश्यूज़ हैं यहाँ पर टैक्सपेयर्स के वो ये है कि उनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है अवेयरनेस ना होने की वजह से, या वो ये कहते हैं कि हमें जो कंसल्टेंट था उसने सही गाइड नहीं किया या हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ लॉ था, हमें पता नहीं था कि ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं था कि आप लोग अकाउंट्स भी अटैच कर सकते हैं, हमें पता नहीं था कि आप लोग रिकवर भी कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि एज अ विदहोल्डिंग एजेंट हमारी सैलरीज भी बंद हो सकती हैं या हमारा इंडियन ब्लॉक हो सकता है। देयर आर मेनी पीनल प्रोविजन जिस पे हम जाते हैं लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि FBR में होते हुए हम बिकॉज वी आर डीलिंग विद वाइट कॉलर, जो अगर आप उसको वाइट कॉलर क्राइम्स कह लें या कोई ऐसी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो ड्यू सैंक्टिटी है टैक्स पेयर की वो रहे। एंड इवन वी आर नॉट अलाउड कि हम किसी की रिकवरी करें तो फिर हम उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज दैट हैज़ टू डू विद आवर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मेरे चार्ज के अंदर, बिकॉज टुडे मेरे पास आज शायद सबसे ज़्यादा क्वेटा में चार्जेस मौजूद हैं क्योंकि ये ऑफिस एंड हब ऑफिस ओवरऑल बलूचिस्तान को देख रहा है, बहुत ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं और इतनी है कि शायद हम उसको काउंट ना कर सकें, उसको उसकी कोई फिगर ना बता सकें। बट मेनली जो हमारे पास रिस्क एरियाज़ आते हैं ऑडिट के, जिसमें आपकी डिक्लेरेशन जो कि आप खुद डिक्लेयर करते हैं जैसे कि कोई स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करता है, इसी तरह ये डिक्लेरेशन होती है, उसकी अफादियत का अभी तक लोगों को अंदाज़ा नहीं है और वो गलत फाइल करने की वजह से ही अक्सर लोग प्रॉब्लम में आते हैं।
ऐसा नहीं है कि हर कोई टैक्स नहीं देना चाहता. आपके पास जो एक्टिव बिजनेस हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में, मोस्टली वो कहते हैं कि हम कंप्लायंस करना चाहते हैं, लेकिन उस कंप्लायंस में हमारे पार्ट पे भी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं कि हम उसको शायद इतनी जल्दी कभी कभी कोई चीज़ रह जाती है हमसे, हम उस पर डिसीजन नहीं ले पाते. वो तो खैर हमारा एक अपना एक क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाले मामलात आ जाते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि टैक्स पेयर को पूरा का पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ और उसको एक फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपना ड्यू टैक्स पे करवा दे. और उसके साथ साथ वो जो रेगुलेशन पार्ट है, हमारा काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं है, हमारा काम बिजनेसेस को रेगुलेट करना, उनकी पूरी की पूरी बिजनेस को डाइसेक्ट करना, उसके हर सेगमेंट का एनालिसिस करना, ये भी हमारी नौकरी में शामिल है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और उसके बाद ही हम अपने पार्ट पे कोई डिसीजन देते हैं. ना सिर्फ बिजनेस बल्कि मैं समझता हूँ कि सैलरी से लेकर हर वो बंदा जो जिसकी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको फाइलर होना बहुत ज़रूरी है. और फाइलर ना होने के अगर आप नुकसान पूछते हैं, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ. बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ डूइंग एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है आपके नॉन फाइलर होने से. यानी आपके ऊपर हायर रेट्स लगते हैं, आपके ऊपर हायर रेट्स ऑफ विदहोल्डिंग होती है. अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, तो वो आपको डबल रेट्स पे जाता है. उसके अलावा वो सारी बॉटलनेक्स एक नॉन फाइलर के लिए होती हैं, जिस पे वो एक तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, दूसरा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो टैक्स ऑफिस से आप फैसिलिटेशन आपको नहीं मिल पाएगी. क्योंकि एक बंदा जो हमारे पास एनरोल ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, या वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा फॉर एनी गुड रीज़न, उसके पास वो नहीं बनती. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बिजनेसेस के अलावा बिजनेसेस के रिफंड्स और सैलरी इंडिविजुअल्स भी हमारे पास होते हैं, जिसपे वो अपनी डिडक्शंस क्लेम करते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए. हाँ, जहाँ तक बड़े बिजनेसेस की बात है, वो एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा आस्पेक्ट इग्नोर ना हो पाए जो कि बाद में किसी अपीलेट फोरम पे या लीगल फोरम पे जिसपे हमें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े. तो ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल यू कैन से इट कि एक न्यूरोसर्जरी है ब्यूरोक्रेसी में, एक बहुत डिफरेंट और एक स्पेशलाइज्ड किस्म की का काम है, और जिसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. एंड एन ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, पूरे इनिशिएट करने से लेकर किसी की डेस्क ऑडिट सिलेक्शन होती है, या ओवरऑल बोर्ड के सिलेक्टेड ऑडिट्स होते हैं, या कोई रिस्क एरिया में आइडेंटिफाई होता है, कोई थर्ड पार्टी हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो उसके ऊपर स्क्रूटनी करना और उसके ऊपर आगे टैक्सेबिलिटी बनाना और टैक्स इवेजन को रोकना, वो हमारा काम है. मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत कामयाब हो चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थिंग्स आर मच बेटर देन बिफोर. आज शायद हमें जितना सिस्टम की वजह से प्लस बोर्ड इज़ गिविंग अस ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, तो अब यह है कि अब हमारे पास वो वाले प्रॉब्लम्स उस तरह नहीं रहे हैं. हाँ, डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी जो कोलैबोरेशन है उनमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब हम उनके कंप्लाइंस हेड्स के पास जाते हैं ताकि हमारा एक रेड टेपिज़म वाला मामला ख़त्म हो और हमें किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दरकार है, हम कोशिश करते हैं कि विद इन द टाइम फ्रेम उसको कंप्लीट कर लें ताकि एक ट्रू पिक्चर ऑफ टैक्स असेसमेंट हमें निकल के सामने आए. देखिए, मैं आई हैव सर्व्ड इन हर मैजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम्स एक छोटे से टाइम के लिए लंदन में, तो मैंने देखा कि टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता. एक डेवलप मुल्क में भी लोग टैक्स देना कोई खुशी से नहीं देना चाहते. जाहिर है दे हैव क्वेश्चंस और उनके अपने हुए, लेकिन जो पाकिस्तान की आपने बात की, इसमें एक बुनियादी चीज़ तो ये है कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बहुत सारे ऐसे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं जो कि टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है अपने एज अ, जैसे कि सैलरीड और बाकी लोग क्लेम करते हैं, आपकी टेलीफोन डिडक्शंस, आपकी बिल्स की डिडक्शन, जहाँ जहाँ पर एडजस्टेबल टैक्स आप देंगे वो सारा का सारा आपको हम ही पे करेंगे. मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई अथॉरिटी किसी का टैक्स गलत काट लेती है या ज़्यादा काट लेती है, तो हम उनको यही कहते हैं कि कोई भी आपका टैक्स काटे देंगे हम ही, लेकिन आप सिर्फ अपनी ये प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ताकि हमें स्क्रूटनी करने में या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो. लोगों का ये कहना कि टैक्स ना देने से वो उसमें अगर वो समझते हैं कि इसमें, लेकिन ये चीज़ फिर उनकी एक तो कंप्लायंस बिल्कुल नहीं है, और दूसरा ये है कि इस चीज़ से आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स होंगी. क्योंकि किसी ना किसी स्टेज में, चाहे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, या उनका बिज़नेस किसी उनका जो भी अर्निंग्स हैं या उनके प्रॉफिट्स हैं या जो प्रोसीड्स हैं, वो किसी ना किसी स्टेज पर डेस्टिनेशन पर आ गए. वो एक स्टेज से अगर मिस हो जाएगा तो अगली स्टेज पे पकड़ा जाएगा, और उसके बाद जो पीनल प्रोविजंस होंगी वो बहुत अलग होंगी उस बंदे की बनिस्बत जो कि एक फाइलर है और वो हमारे पास प्रॉपरली और फॉर्मली हमारे पास आता है.